नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा देश के 43वां प्रधानमंत्री में नियुक्त। कांग्रेस आ माओवादी केंद्र से दू दू करके 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठन। प्रधानमंत्री देउवा के नेतृत्व में सिंहदरबार में बैठल मंत्रिपरिषद के पहलका बैठक। सब नागरिक के निःशुल्क खोप उपलब्ध करावला प्रतिबद्धता। 5 विद्यार्थी संगठन द्वारा थानकोट स्थित नेपाल आयल निगम के डिपो में धरना। पेट्रोलियम पदार्थ में कई मूल्य वृद्धि स्थिरता की मांग। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जुमा के जेल चलान कैला बाद भड़कल हिंसा में 72 जने के मृत्यु। हिंसा नियंत्रण खातिर सेना परिचालन। आ दोसर का एक दिवसीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका पर आयरलैंड के ऐतिहासिक जीत। अब पूरा समाचार। 5 वर्ष प्रतिपक्ष में रहे के मैंडेट मिलल नेपाली कांग्रेस चुनावे ना लड़के 3 वर्ष में ही सत्तारोहण करला सफल भइल बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी सर्वोच्च के आदेश मुताबिक कांग्रेस सभापति देउवा के देश के 43वां प्रधानमंत्री के में नियुक्त आ शपथ ग्रहण करौला बाद कांग्रेस के ई अवसर मिलल ह। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा देश के 43वां प्रधानमंत्री बने में सफल भइल बानी। सर्वोच्च अदालत के परमादेश मुताबिक प्रधानमंत्री देउवा संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमंत्री में नियुक्त भइल बानी ह। देउवा विपक्षी 5 दलीय गठबंधन बना के नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के हटा के प्रधानमंत्री बने में सफल भइल बानी ह। लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनला संग ही प्रधानमंत्री देउवा के बहुते चुनौती के सामना करे के पड़े। बिहान के दिन में आवे वाला पहिलका चुनौती विश्वास के मत ले भी पड़े के ह। संविधान के धारा 76 के 5 बमोजिम उहां के 30 दिन भीतरे विश्वास के मत ले भी के पड़ी। आ ओ खातिर सबसे बड़का चुनौती एमाले भीतर के झलनाथ माधव समूह से बाटे। ऐसे भी माधव समूह ई गठबंधन में ना बैठे के संकेत कर चुकल बा। लेकिन देश के संसदीय प्रणाली आ लोकतंत्र जुगावे खातिर देउवा के विश्वास के मत देवे पड़े के धारणा राखेलन अधिवक्ता संतोष भंडारी। माधव नेपाल समूहले के गर्छ भन्ने कुरा हो, संसदमा कतिजना उपस्थित भन्ने कुरा हुन्छन् भन्ने कुरा हो। त्यो त अब हामीले अहिले नै प्रेडिक्सन गर्नु भन्दा नि कसरी जान्छ राजनीति, देशको राजनीति कसरी जान्छ। अब माधव ओली खेमाको जुन चाहिँ बैठक चलिरहेको छ, अस्ति हिजो बिहानको 10 बजे पनि आइरहेछ भन्ने कुरा छ। तर माधव नेपालले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सभासद चाहिँ उपप्रति शेरबहादुरजीप्रति लोयलै छौँ भनेर बिहान पनि विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। अब त्यो घटना परिघटना कसरी हुन्छ देउवा के बहुते लोग एक महीना के प्रधानमंत्री कह के भी विश्लेषण कर रहल बा। विश्वास के मत ना मिला बात का थी होखी कहे वाला बात में उहां के सामने विश्वास के मत लेवे ना सकला बात दूगो मात्रे रास्ता रहल कानून बीच सबके कहना बा। राजीनामा दे के मार्ग प्रशस्त करे के या धारा 76 के 5 मुताबिक संविधान अनुसार निर्वाचन में जाय सके के बतावेलन कानून बीच सब। माननीय शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिनु भनेको संविधानको धारा 76-7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा पुनः विघटनतर्फ जान सक्छ। त्यसैले त्यो अब विघटनलाई बचाउनको लागि सबै पार्टीहरू मिलेर उहाँलाई चाहिँ विश्वासको मत दिने र सबैले चाहिँ राष्ट्रिय सरकार जस्तो एउटा सबै सहमत भएको एउटा सरकार बनाएर देशलाई विकास निर्माणको काममा अगाडि बढाउनु पर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन करके प्रजातन्त्र दरबार में बुझावल आ प्रतिगमन के बिया रोपल आरोप लागल देउवा 19 बरस के बाद दोसर का बार सत्ता की सीढ़ी चढ़ल बानी। इससे पहले देउवा 2052, 2058, 2059 आ 2074 साल में प्रधानमंत्री बनल रहनी। मगर के राष्ट्रपति भंडारी द्वारा देउवा के प्रधानमंत्री में नियुक्त कैला संग ही उहां के 5वां बार प्रधानमंत्री बनल बानी हा। कैमरा में शैलेंद्र गोविंद अमाती के साथ कमला हमाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा पदभार ग्रहण कैले बानी। शीतल निवास में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से पद तथा गोपनीयता के शपथ लेला बाद देउवा प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय सिंह दरबार पुग के कालू ही पदभार ग्रहण कैनी हाँ। प्रधानमंत्री देउवा कांग्रेस से 2 आ माओवादी से 2 मंत्री शामिल करा के 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल विघटन कैले बानी। मंत्रिमंडल में नेपाली कांग्रेस के बालकृष्ण खाड़, गृहमंत्री आ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री बनल बानी। वैसे ही माओवादी के तरफ से जनार्दन शर्मा अर्थमंत्री आ पम्फा भूषाल ऊर्जा मंत्री बनल बानी।
नवनियुक्त प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के पहिलका बैठक काल रात में ही सिंहदरबार में बैठल रहे। नवनियुक्त गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़, अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा, कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्किया, ऊर्जा मंत्री पंफा भूषाल सहित मंत्रिपरिषद के बैठक सिंहदरबार में बैठल। प्रधानमंत्री देउवा सिंहदरबार में पदभार ग्रहण करत निर्वाचन पहले सब नागरिक के कोविड-19 विरुद्ध के खोप निःशुल्क उपलब्ध कराव के प्रतिबद्धता सहित निर्णय में हस्ताक्षर कैले बानी। ललिता निवास जग्गा प्रकरण में भ्रष्टाचार के मुद्दा लागल नेपाली कांग्रेस के नेता एवं पूर्व मंत्री विजय कुमार गच्छधार अदालत में हाजिर भइल बानी। फरार रहल कहल गच्छधार आज अदालत में हाजिर भइने हुए। अदालत में वहाँ के प्रारंभिक बयान के बाद थुनछेक बहस होके के बताओल गइल बा। इससे पहले अदालत से बुलावला पर हाजिर ना भइला बाद वहाँ के फरार अभियुक्त के सूची में राखल गइल रहे। प्रहरी वहाँ के ठेगाना पता ना लागल जनौल रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। कर्णाली प्रदेश सरकार कोरोना वायरस से मृत्यु भइल सबके परिवार के राहत स्वरूप प्रति परिवार के 1,00,000 के दर से रकम प्रदान करे के शुरू कैले बा। पहिलका चरण में 132 जने के राहत रकम वितरण कैलक हुए। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के मुताबिक कर्णाली प्रदेश में अभी तक ले कोरोना संक्रमित मध्य 342 जने के मृत्यु भइल बाटे। इससे पहले कर्णाली प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद के बैठक से ही कोरोना से मृत्यु भइल के परिवार के राहत स्वरूप 1,00,000 रुपया उपलब्ध कराव के निर्णय कैले रहे। जिस अंतर्गत पहिलका चरण में सुर्खेत, दैलेख, सल्याना, कालीकोट करके 132 जन के राहत उपलब्ध कराओल गई और बाकी के भी कुछ दिन में ही रकम वितरण करे के कर्णाली प्रदेश सरकार जनौले बा। अभी तक ले 345 जने के परिवार क्षतिपूर्ति के मांग सहित प्रदेश सरकार के निवेदन पेश कैले बा। महोत्तरी में सेना के जवान गोली मार के आत्महत्या कैल प्रहरी जनौले बा। रण भीम गण प्रकौली ब्यारिक में कार्यरत सैनिक जवान आज सवेरे अपना के गोली मार के आत्महत्या कैल प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी प्रकाश विष्ट जानकारी देने। रामेछाप घर भइल ई जवान के अपने से बोकल मिनी इंसांस हथियार बाया कंसर्ट में गोली मार के मिलल उनकर कहनाम बाटे। आज सवेरे अंदाजी 5 बजे ओरी अतिथि गृह संघ के कोत में घटना भइल। जिला प्रहरी कार्यालय मोहतरी के प्रहरी उपरीक्षक एसपी दिनेश आचार्य जानकारी देने। अब आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगम द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ में कैल मूल्य वृद्धि फिरता के मांग करत आंदोलनरत 5 विद्यार्थी संगठन सब थानकोट स्थित नेपाल आयल निगम के डिपो में धरना देले बा। नेवी संघ, अखिल क्रांतिकारी, अनरा सोव्यू, माधव नेपाल समूह, समाजवादी विद्यार्थी यूनियन, उपेन्द्र यादव समूह आ अखिल छठे के नेता सब आज सवेरे 9:30 बजे से धरना में बैठल हुए। इससे पहले विद्यार्थी संगठन सब मूल्य फिरता लेवे खातिर 29 गति तक के अल्टीमेटम देले रहे, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि फिरता ना कैला से थानकोट स्थित डिपो रहल बागमती प्रादेशिक कार्यालय अगाड़ी धरना में बैठल विद्यार्थी संगठन जनौले बा। ईंधन के मूल्य वृद्धि फिरता के मांग करत 5 विद्यार्थी संगठन सब आज से देशभर के पेट्रोल पंप, ईंधन धुआनी टैंकर और नेपाल आयल निगम के बिक्री डिपो बंद करे के कार्यक्रम घोषणा कैले बा। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि फिरता ना लेला तक आंदोलन ना रोके के 5 विद्यार्थी संगठन चेतावनी देले बा। भोजपुरी समाचार भी अब छोड़ विश्राम। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के जेल चलान कैला बाद भड़कल हिंसा में 72 जने के मृत्यु भइल बा। प्रदर्शन के क्रम में लूटपाट भी भइला बताओल गइल बाटे। सोबेतो में रहल शॉपिंग सेंटर सोमवार के रात भइल लूटपाट के क्रम में भइल भागदौड़ के कारण 10 जने के जान गइल रहे। राजमार्ग सब बंद कैल गइल बाटे त प्रमुख शहर के दोकान आ गोदाम सब में लूटपाट आगजनी भइल बा। लूटपाट कायम रहला पर जल्दी अत्यावश्यक सामग्री के अभाव होके के बताओल गइल बाटे। अभी तक कमती में 200 शॉपिंग मॉल में लूटपाट भइल बाटे। बीतल हफ्ता से दक्षिण अफ्रीका में प्रदर्शन आ भिड़ंत हो रहल बा। अभी हिंसा नियंत्रण के प्रयास हो रहल बाटे। हिंसा नियंत्रण खातिर सेना भी परिचालन कैल गइल बा।
प्रहरी द्वारा दंगा भड़काओमे मेन भूमिका खेलेवाला 12 जने के पहचान कैल गई जनाओल गई बा। वही लेखा 1200 जने में से बेसी के नियंत्रण में लेहल भी प्रहरी जनाओले बा। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा सन 1990 के दशक एने बड़का हिंसात्मक गतिविधि अभी दक्षिण अफ्रीका में देखल गई बताओल गई बा। चीन के सुझौ शहर में रहल होटल भसकला बाद 17 जने के मृत्यु भइल बा। चीन के पूर्व शहर सुझौ में होटल के भवन भसकल के 36 घंटा बाद 23 जने के खोजी तथा उद्धार टोली से निकालल गेल बाटे। ओहुमध्ये 6 जने जीवित रहल। स्थानीय संचार माध्यम के उद्धृत करत बीबीसी जनौले बा, भवन के निर्माण में ही गंभीर कमजोरी रहल कारण भसकल प्रारंभिक अनुसंधान से पता चलल बाटे। पिछला साल सब में भवन के जीर्णोद्धार होते आयल रहे। शुरू में 3 तल्ला मात्र रहल भवन में, बाद में तला सब थपे के ले जाइले बाद स्थानीय बासिंदा सब बतौले बाटे। लोग स्थानीय समय मुताबिक सोमवार के दोपहर 3:30 बजे भवन भस्कल रहे। उद्धार तथा खोजी खातिर 600 से बेसी उद्धारकर्मी खटाओल गेल बा। अब खेलकूद समाचार। आयरलैंड दोसरका एक दिवसीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के हरौले बाटे। डबलिन में मंगल के रात भइल खेल में आयरलैंड दक्षिण अफ्रीका के 43 रन से हरौले बा। एकरा संग ही आयरलैंड पहिलका बार एक दिवसीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के हरौलक हुए। आयरलैंड से देहल 291 रन के लक्ष्य के साथ जवाबी बैटिंग कैल दक्षिण अफ्रीका 48 ओवर 3 बॉल में ऑल आउट होकर 247 रन ही में समेटल रहे। इससे पहले बैटिंग कैल आयरलैंड से 50 ओवर में 5 विकेट गवा के 290 रन बनौल रहे। जिस संग ही 3 खेल के सीरीज में आयरलैंड 1-0 के अग्रता बनौले बा। दोनों टीम बीच के तेसरका अंतिम एक दिवसीय खेल सुख के होखी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा देश के 43वां प्रधानमंत्री में नियुक्त। कांग्रेस और माओवादी केंद्र से दू-दू करके 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठन। प्रधानमंत्री देउवा के नेतृत्व में सिंहदरबार में बैठल मंत्रिपरिषद के पहिलका बैठक। सब नागरिक के निःशुल्क खोप उपलब्ध करावेला प्रतिबद्धता। 5 विद्यार्थी संगठन द्वारा थानकोट स्थित नेपाल आयल निगम के डिपो में धरना। पेट्रोलियम पदार्थ में कैल मूल्य वृद्धि फिरता की मांग। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जुमा के जेल चलान कैले बाद भड़कल हिंसा में 72 जने के मृत्यु। हिंसा नियंत्रण खातिर सेना परिचालन। आ दोसर का एक दिवसीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका पर आयरलैंड के ऐतिहासिक जीत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमने के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।